स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों झारखंड सरकार का दोस्तों बहुत ही बड़ा आदेश दोस्तों आप सभी का स्कूल से संबंधित निकाला गया है, ठीक है। और यह आदेश में दोस्तों आप सभी का स्कूल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है जिसको दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा क्या आदेश निकाला गया है और यह आपके स्कूल पर किस तरह से प्रभावी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ठीक है। तो ये आपका जो आदेश है दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा निकाला गया और आदेश में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि इस कार्यालय के ज्ञापक, ठीक है, दिनांक की 11 जून 2023 एवं, ठीक है, दिनांक 14 जून 2023 संशोधित में पुनः आंशिक संशोधन करते हुए तथा झारखंड सरकार में, ठीक, झारखंड राज्य में अत्यधिक गर्मी पड़ने एवं लू का ध्यान में रखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, ठीक है, अल्पसंख्या सहित एवं सभी निजी विद्यालयों में, ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों अगर इस नोटिस को अगर धीरे धीरे कर पढ़े तो यहाँ पर आप सभी को बताया जा रहा है कि जो आपका 11 जून को खुलने वाला स्कूल था या 14 जून को खुलने वाला था तो इसमें दोस्तों पूरी तरह से संशोधित हो चुका है। और आपको पता है कि झारखंड में बहुत ही अत्यधिक गर्मी जो है पड़ रहे हैं और लू बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं जिसके कारण दोस्तों जो आपके स्कूल चाहे वह सरकारी स्कूल हो, ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखा हुआ कि लू को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी और गैर सरकारी यानी कि जो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, ठीक है, सभी स्कूल में क्या किया जा रहा है तो गर्मी के अत्यधिक ध्यान में रखते हुए आप सभी का जो स्कूल है दोस्तों यहां पर अल्पसंख्या सहित एवं सभी निजी विद्यालयों में जो भी कक्षाएँ केजी से, ठीक है, कक्षा 8 तक दिनांक 19/6/2023 सोमवार से, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जो भी बच्चा क्लास से यहाँ पर केजी से या क्लास 8 केजी से क्लास 8 में है उनका जो स्कूल है दोस्तों ये 19 जून से, ठीक है, 21 जून बुधवार तक बंद रहेगा, ठीक है, बंद रहेगा स्कूल। और यह स्कूल इसलिए बंद है दोस्तों क्योंकि ये सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल हो, इस बार दोस्तों गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और इस बार लू भी ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए आप सभी को ध्यान में रखते हुए जो है स्कूल है जो बंद कराए गए हैं, ठीक है। और हो सकता है दोस्तों कि आगे भी अगर 21 जून के बाद भी अगर इस तरह का मौसम रहा तो फिर से दोस्तों आपका जो स्कूल है यह बंद ही रहेगा, नहीं खुलेगा। और इसमें दोस्तों 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी के लिए और भी बहुत ही बात लिखा गया, ठीक है, कहा गया है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं दोस्तों जो आपका है प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक संचालित होगा, ठीक है। जो भी बच्चा क्लास 9 से 12 में है उनका जो कक्षा है यानी क्लास है दोस्तों ये आपका 7 से लेकर 11 बजे तक चलेगा। और इस अवधि में बच्चों की पढ़ाई में, ठीक है, पढ़ाई में होने वाली क्षति की भरपाई के संबंध में अलग से निर्णय लेते हुए, ठीक है, सूचित किया जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि जब भी आपका जो स्कूल है बंद है इसमें आपका जो है सिलेबस कंप्लीट अभी नहीं हुआ और सिलेबस शुरू भी नहीं हुआ तो इसके लिए भी दोस्तों आपका अलग से सूची बनाया जाएगा जिसके लिए आपका जो सिलेबस है पूरी कंप्लीट कराया जाएगा। तो यह है दोस्तों झारखंड सरकार का नया आदेश जो कि दोस्तों आपका 18 जून को निकला है। और यह अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों अगर इसी तरह का मौसम झारखंड में बना रहा है तो 21 जून के बाद में आपका जो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो सभी बंद रहेंगे, ठीक है। और बंद रहेगा तो दोस्तों अगर नोटिस निकलता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।